90s की हीरोइनों के राइवलरीज बहुत ज्यादा हुआ करते थे या फिर हम उनको मीडिया में बहुत ज्यादा देखा करते थे? बता दो, शादी होगी लोगों की, अमेरिका अमेरिका चले गए, बताओ खुल के। नहीं, वो अमेरिका से वापस भी आ गए ना। तो अब जब आपकी माधुरी दीक्षित से मुलाकात होती है तो फुल हाय हेलो लव फीलिंग एकदम गले वाले मिल जाते हैं हम लोग। आपने आमिर के साथ काम किया है, शाहरुख के साथ काम किया है, आपने सलमान के साथ पूरी फिल्म बतौर हीरो हीरोइन क्यों नहीं की? भाई ये मैंने नहीं किया, ऐसे नहीं है, बहुत बिगिनिंग में जब हमारा करियर बस शुरू ही हो रहा था, एक कोई फिल्म बनने वाली थी जिसमें वो हीरो होने वाले थे, वो कहते मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। टड़ंग टड़ंग। फिर उसके बाद सलमान जी जो बड़े स्टार बन गए, फिर उन्होंने कहा जूही के साथ नहीं काम करूंगा। ये हमारी कहानी है अकॉर्डिंग टू सलमान, मुझे तो ये याद ही नहीं है। मतलब जूही मैम फिल्म में तो फिल्म में जिस बंदे को रिजेक्ट कर दी वो भी स्टार बन जाता है, पता है? जूही मैम, हाँ, आई लव यू, रिजेक्ट कर दो मेरे को। वैसे शाहरुख के साथ भी आपकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है ना? हमने फिल्म साइन की थी तब मैं भी काफी नई ही थी, ऐसे होंगे आईब्रोज और ऐसे बाल यहाँ तक और व्हाइट शर्ट में दुबले पतले से, मैंने बोला ये किस एंगल से आमिर खान लगता है बताओ। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। बट बाय देन ना मैंने साइन वाइन कर ली थी पिक्चर, फिर मेरे को करनी पड़ी, मगर देखो उसको भी स्टार बना दिया मैंने। अबू जी आपने भी कभी सलमान भाई के साथ कोई फिल्म नहीं की ना? एक ही खान के साथ मैंने फिल्म की, वो सलमान खान। कौन सी की आपने? हम साथ साथ नहीं देखी आपने? अरे हाँ, गैंगस्टर अपोजिट नहीं, वो साथ साथ नहीं थे, हम साथ साथ नहीं थे। साथ नहीं की ना आपने कोई? साथ ही थे, मतलब क्या गोद में बैठ जाती हूँ। गेहूं में भी थी इस फिल्म का जिक्र सलमान भाई नहीं करते, तेरा करना जरूरी है। इनको तो पता नहीं गुस्सा आता है कि नहीं आता, मेरे को बड़ा गुस्सा आया एक आदमी पे। किस पे? जिसने इनको फितूर में मम्मी का रोल दिया ना, कटरीना की मम्मी बना दिया, हैदर में शाहिद की मम्मी बन गई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेट पे शाहिद के मुंह से बेबी मम्मी निकल गया? रीडे बेबी, आई मीन मम्मी। अब ना मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि यार तब्बू तुम सबकी माँ का रोल क्यों करती हो यार, प्रेशर हम पर भी आ जाता है। आपके पास ऐसे रोल्स आए कि कटरीना की मम्मी का रोल प्ले कर लीजिए, और आप क्या करती अगर ऐसा होता तो? मैं बेटा किसी को नहीं कह सकती जो मिड से भी ऊंचा हो। तो राजपाल यादव अगर हीरो होगा उसकी मम्मी बन जाएगी, वो लंबे नहीं है आपसे। वो तो आपके घुटने तक आएगा, दिस इज ट्रू। पर सुन ना, हाँ, तू तो जानता है ये दोनों नेचुरल ब्यूटीज ही हैं। हाँ, एक सेकंड, 2000 रुपए सारे के सारे ला लेता हूँ। बहुत सारा प्रेशर होता है एक्ट्रेसेस पे नेचुरल ब्यूटी दिखने के लिए, तो आपने प्रेशर में आके कभी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी की है? अरे वाह, मैंने पैसे डाले, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अच्छा, वाह, उन्होंने भी सैंडल डाले, कहीं से भी मार सकते हैं। इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता। अबू मैम, अभी तक तो नहीं, ऑनेस्टली आपको लग रहा है कि मैंने कुछ किया हुआ है? लग तो नहीं रहा, बट क्या करें, डायरेक्टर बोलता पूछो। अच्छा। अत्यंत ब्यूटीफुल लेडीज के साथ हम एक अत्यंत खूबसूरत गेम खेलने वाले हैं। इट्स कॉल्ड द टच एंड फील गेम, बिकॉज़ वी बिलीव, अरे बहुत मजा आएगा आपको इस गेम खेलने में। आपको कैसे मालूम हमको मजा आएगा? बिकॉज़ मुझे